श्री राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय विधिषे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतयै नमः। श्री सीताया पतयै नमः। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इंदो उनके श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जा। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो पागलो सीताराम, साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम के सब पगलन की, सनातन को मानने वाले इन अंग्रेजन की भी, मंच पर विराजमान दक्षिण भारत के धर्म प्रवर्तक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी, परंपरा के प्रवर्तक आचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 श्री पूज्य श्री चिन्नाजियर स्वामी जी महाराज की, बद्रीनाथ बाले महाराज जी की, हमारे बड़े ही प्रिय व्यास अनुज श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज जी की, सिंगारी जी महाराज जी की, केर बना वाले पूज्य महाराज जी की, छावनी वाले अयोध्या वाले पूज्य महाराज जी की, और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गणों की भी, उप मुख्यमंत्री जी की, और जो बच गए उनकी और हमारी जय। हर 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 साधु जी। आज बड़ा पावन सौभाग्य दिवस है, आज वो दिन है जिसका हम सब एक वर्ष से इंतजार कर रहे थे, जिस बुंदेलखंड महाकुंभ में हम सब विराजमान हैं। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग टेंटों पर पहाड़ों पर चढ़े हैं, कुछ लोग अंदर आने के लिए लड़े हैं, कुछ लोग फिर भी बालाजी की कृपा पाने को अड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। लाखों लोगों का यह समूह परिक्रमा के दिखाए जा रहे दृश्य और पंडाल के बाहर तक, मंडप में, अन्नपूर्णा में, भंडारे में, जगह जगह पागलों का पागलपन, आप लोगों की उदारता, आप लोगों की भव्यता, आप लोगों की दिव्यता, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की निष्ठा बता रही है कि गरीब का भी कोई होता है और भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। विगत 15 दिन से चल रहे बुंदेलखंड महाकुंभ के इस समापन जल विहार के पावन अवसर पर भारत की वह विभूतियां, चाहे वह श्रीधाम वृंदावन की विभूतियां हो, बद्रीनाथ जी की विभूतियां हो, हरिद्वार ऋषिकेश की विभूतियां हो, अयोध्या की विभूतियां हो, या दक्षिण भारत के हैदराबाद से पूज्य स्वामी जी हो, इन सब संतों ने यहां पर चरण रखकर इनकी धूली यहां उड़ गई और अब बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पुण्य तीर्थ बन गया है और सनातन धर्म का केंद्र बिंदु बन गया है। ये संतों की उदारता का प्रभाव, इन संतों का आशीर्वाद, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम को सोंटा मारे भाग जाए सब भूत। हारे हारे, जो नहीं बोलेगा पड़ोसी की कसम है। अरे भाई जोर से बोलो हारे हारे।
क्या दिक्कत है? पूरी नहीं खाएगा? अरे लोचाई खाओ, रसगुल्ला खाओ, तीन तीन प्रकार के, काले भी, व्हाइट भी, सतरंगी रसगुल्ला, तो रसगुल्ला पाओ, भोजन पाओ, पर बोलो तो जोर से हारे हारे। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनना, दिन भर से बैठे कुर्सी तोड़ रहे। अरे जोर से बोलो हारे हारे महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। आज हम सभी आनंदित हैं, हमारी बेटियां भी बैठे, दामाद भी बड़े मुस्कुराते हुए बैठे हैं, सभी बेटियां बड़ी प्रसन्न हैं, हम ज्यादा प्रसन्न हैं, इसीलिए प्रसन्न है कि हमारे समधी और समधने आई हैं। अब खैर अभी अभी समधी मिले नहीं हैं, वो बात अलग है। आज हमारा पहला सौभाग्य तो यह कि परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी आशीर्वाद दे गए, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी आशीर्वाद दे गए, पूज्य स्वामी जी विराजमान ही हैं, लेकिन मंच पर ही बाम भाग में जिनके कारण हमें जीवन में आने का सौभाग्य मिला, जिनके कारण हमारा जन्म हुआ, जिनके कारण हमें पृथ्वी पर जीने का सौभाग्य मिला, ऐसे हमारे पूजनीय पिताजी भी विराजमान हैं और माताजी भी शायद सन्मुख विराजमान हैं। हाँ हैं, उनकी कृपा से अब पिताजी बैठे तो उनके सामने ज्यादा क्या बोलें, लेकिन इनकी ही कृपा है कि हम अपने जीवन काल में जो कर पा रहे, बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा, ये माता पिता का आशीर्वाद है कि हम क्या, हम सब बागेश्वर धाम के परिवार, चाहे वो अन्नपूर्णा सेवा करने वाले हो, चाहे ये बेटियां वरवधू की व्यवस्था देखने वाली हो, सबसे अंत में झाड़ू की सफाई की व्यवस्था लेने वाले सेवादार हो, हम सब ने मिलकर एक नया इतिहास रचा है और पूरे विश्व को ये कह के बतलाया है, करके दिखलाया है कि भारत के मंदिरों की दान पेटियां अगर इन निराश्रित गरीब बेटियों लगेगा। एक साल से तैयारी कर रहे थे, रोज रोज व्यवस्था कर रहे थे, शिवरात्रि आएगी, अब आ गई। आज सुबह से हम खुश थे, सोए नहीं कल रात से, पूरी रात यहां दरबार लगाए रहे, फिर मीटिंग लेते रहे, फिर जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी स्नान ध्यान किया, एक आध घंटा लौटे, फिर जल्दी आ गए, तब तक दामाद आ गए, दामादों के स्वागत में लग गए। इसके बाद में
एक बच्ची बहुत बीमार सी पड़ गई, तो हम भागे भागे गए। हमने पूछा क्या बात है, तो बेटियां पकड़े थी, हमने पूछा क्या बात है, तो वो बिटिया लिपड़ करके रोने लगी। अरे हमने कहा बेटी रो क्यों रही, वो बार बार बेहोश हो रही। और वो रोती हुई कहने लगी, गुरुजी हमारे पिताजी नहीं है और हमको उनकी बड़ी याद आ रही है, हमसे रहा नहीं गया जब उसने कहा कि हमारे पिता नहीं है। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार बार वो बेहोश हो जाती थी, बच्चियां भी देख रही थी। डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाए, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करी, जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो और जितनी भी बेटियां आज यहां पर पाणी ग्रहण पर परिणय सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना मां बाप के नहीं हो, तुम अपने आप को मेरी बेटियों अनाथ मत मानना, तुम्हारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है, मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ हैं। और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से, या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया, ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है, हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियाँ हैं जिनके माँ बाप नहीं है, ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो हैं पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग, अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान पेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बुलाया, ना तो हमारा उद्देश्य प्रदर्शन का है, कुछ लोगों को लगता होगा प्रदर्शन का, हमने प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया। इन बेटियों का कोई नहीं है तो इन राजकुमारियों को ये ना लगे कि कोई नहीं है, ये बेटियां जब अपने दमा अपने पति के साथ घर जाएं, अपनी ससुराल जाएं, तो ये हमारी बेटियां मुस्कुराती हुए कहें कि हमारी शादी में बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर मुख्यमंत्री बड़े बड़े महात्मा आए थे, नहीं ये गुमान रहे। और इस बार तो खर्च ज्यादा हो गया, कर्जा की स्थिति बन गई, इसलिए मोटरसाइकिल तो दिब गई, पर अगली बार हम मोटरसाइकिल तो नहीं देंगे पर बेटियों का विवाह बढ़ाएंगे। 2000 फार्म आए थे, हम सबको तो नहीं ले पाए, परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आगामी समय में एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो नहीं, हमारी क्षमता नहीं है, हमारे मीडिया जगत के लोग भी बैठे हैं जो बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, एक बार इनको भी साधुवाद आपको देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं, वो संत वो लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं, आप वो लोग हो जो हमारा परिवार हो, सबसे पीछे बैठे, खड़े बैठने को नहीं मिला, धूप में हम देख रहे 4 घंटे से खड़े हुए हो आप लोग, हमें पता है आपको हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पर क्या बताएं 2.5 लाख वर्ग फिट में पंडाल लगाया, आगे को लगो फिर भी कम पड़ गया, अब इससे ज्यादा क्या लगाएं, इतने और ज्यादा लगाएंगे मंदिर के भगवान ही बिक जाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं है। अच्छा अब 2.5 लाख तो यहां वर्ग फिट लगाया, 1.5 लाख का अन्नपूर्णा में लगाया, मंडप अलग बनवाए, फिर भी हमें पता लगा कि सब सीताराम है। अभी फोन बार बार मैसेज आ रहे थे, यहां पीछे हमें कार्यकर्ता बता रहे थे, बोले गुरुजी मंदिर की परिक्रमा में पैर रखने की जगह नहीं है, हम क्या कहें, ये बागेश्वर धाम के पागलों का मेला है। मेरे साथी कौन कहता है कि तू अकेला है, तेरे साथ बागेश्वर धाम का मेला है। और मेरे प्रियजनों, आज की पूज्य स्वामी जी की सानिध्यता में इन संतों का आशीर्वाद रहा, इन बेटियों का आशीर्वाद रहा, तो
तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम और कथा करेंगे, अगली साल 251 बेटियों का घर बसवाएंगे। और यहां ही नहीं रुकेंगे, अगली साल कथा में खर्च नहीं करेंगे, हम खुद कर लेंगे ताकि दक्षिणा ना लगे। पर हमारे भैया जी ने भी दक्षिणा नहीं ली है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत प्यारे हैं अनुज। तो अगली साल 251 बेटियों का विवाह करेंगे। लेकिन पूज्य स्वामी जी के सामने कह रहे, भास्कर आचार्य स्वरूप शेषावतार स्वरूप परम पूज्य जो हमारे सबके सिरमौर श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो समता की मूर्ति आपने वहां बनाई है इतनी विशाल, माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए, हमने वह कार्यक्रम को आपके देखा स्वामी जी, उस समता की मूर्ति को देखा, आपका पत्र मिला, हम जा तो नहीं पाए, दास की धृष्टता और व्यस्तता थी, यहां मरीजों की सेवा में व्यस्त थे, लेकिन हम नाक रगड़कर प्रणाम करने आएंगे, लेकिन आप जब जाना तो पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके इतना कह देना, उस नालायक बागेश्वर धाम पे ऐसी कृपा करें कि बागेश्वर धाम से पूरे भारत की कोई भी बेटी कहीं भी हो, अगर वो पात्र है तो उसका विवाह बागेश्वर धाम से हो, ऐसा आशीर्वाद। उसके लिए पर महाशिवरात्रि नहीं, आगामी समय में, अभी तो नहीं, 2-4-5-6-10 साल बाद एक यहां पर मैरिज हाउस बनाएंगे, 5 ब्राह्मण परमानेंट रखेंगे, जो सामग्री उपहार की हम पर बन पड़ेगी उस सामग्री को, वरना खाली रामचरितमानस और भंडारा, बरातियों को बासे रसगुल्ला, बरातियों को 2 दिन पुराने रसगुल्ला खिलाएंगे ताकि फूफा नाराज हो जाए। और आज तो हमने कहा भी है कि चाय में थोड़ा पिपरमेंट डलवा के बरातियों को पिलवाओ, ताकि 2-4 बराती, अच्छा एक और हमने देखो, यहाँ के बराती जो बरात आज आई हैं, जितने भी दामाद बैठे हैं, सुन लो कान खोल के, तुम्हारे बराती बहुत कंजूस हैं, एक ने भी नागन डांस नहीं किया, हाँ ना, कैसे ले आए तुम्हारे जीजा जीजा नहीं आए, हैं गाना ही नहीं बजा, वो बिटिया का गाउत रही विदेशी लोक फोक का, हैं तुम कह रहे गाना ही नहीं बजा, लो हम अब गाय दे रहे, कहाँ है फूफा बुलाओ तुम अपनो, कौन आया है तुम्हारे साथ, माता पिताजी आई, बुलाओ समधी समधना, हाँ बुलाओ, क्या नाम है तुम्हारा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जे दमाई राजा कह रहे थे गाना ही नहीं बजाया, इधर आओ आओ, अब समधी और समधन दोनों नहीं बचेंगे, बस 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 उठो, आओ आओ ऊपर आओ, आ जाओ, कल रात कुछ बारात में, कल रात को कहाँ है समधी समधन, बुला, हेलो हेलो पापा जी आ जाओ, नहीं तुम आप भी हमारे पिता ही हैं, अरे तुम दमाद आ जाओ, बुला बुला पापा जी, बुला पापा आ जाओ, नाम ले लो तुम, नहीं आ रहे हैं, पापा जी काहे समधी, अरे ते आओ तो दांत निकाल रहे, जो कारी कोट बारन है सेवादार पकड़ के टांग के ले आओ इन्हें, सेवादार जो भी हो दो हाथ और दो पांव पकड़ो पकड़ो, समधी को टांग के लेकर आओ, अरे पकड़ो हाथ पांव को टांग के लेकर आओ समधी को, हाँ जय हो जय आ रहा समधी राजा, जो बता जी हैं के नोई, क्या नाम है उनका, शिव गोपाल आरत, आ जाओ भैया इन्हें होता ही छोड़ दो, अरे गिर पड़ेंगे वो, दूसरो समधी आ गाओ, अच्छा आ जाने दो, आ जा समधी आ जा, लेके आओ मंच पे ऐसे ही लेके आओ, एक बार ताली बजाओ समधी को, जय हो समधी, आजा 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 इधर आ, मोरे समधी की, अरे ऊपर टंगे आओ, आजा 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 बस बस बस, अरे आओ आज तो भेंट भाव चाहिए, राम के पार रे एक बार खर्रोई, अच्छा लक्ष्मी के ससुर बब्बा, लक्ष्मी के हाँ बिजावर से, लड़का को नाम का है रविंद्र एक बार, अच्छा खर्रोई खर्रोई
आज शादी हो रही का? हाँ हजू। कैसे कितने खुश हो? बहुत खुश है हजू, तो अब तो आप से। अच्छा? बहुत खुश है, उस दिन अभी खुश होते 15 तारीख का भी आपने मुझे बनवाना ही आज जेब में डाले स्वागत पानी तुमने चोरी तो नहीं करी? अरे अरे बीड़ी डाले बताओ तो समी की जेब से बीड़ी निकली। जाना यार मालिक पिज्जे, जितने भी इतने लड़का वाले हैं समी को थोड़ा रंग लगाओ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? जे तो दूसरे समी निकले, जे तुम्हारे नहीं निकले पिताजी। अच्छा, 2 साल से आपके दर्शन के लिए तरस रहे थे, आज वो पूरी मनोकामना पूरी हो गई। हम पहली बार दोनों साथ में आए थे। अच्छा, शादी कहाँ हो रही है? बिटिया कहाँ की है? अरे बाबा बहुत अच्छा, तुम्हारा कौन आया बेटा? अच्छा बहुत अच्छा, बैठ। अरे बैठ बैठ। एक वो बच्ची, वो भी बच्ची थी जिसके पिताजी नहीं थे, वो भी बच्ची थी। लेकिन तुम लोग बड़े कंजूस तो नहीं हो? दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे महादेव। अभी बहुत कार्यक्रम बाकी हैं, इनकी भी वरमाला बाकी है। पूज्य स्वामी जी को बालाजी के दर्शन करने भी जाना है और हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को भी उद्बोधन देना है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी आ रहे, लेकिन तब तक एक गीत हो जाए। हम तो भैया इन दूल्हा को ठाकुर जी देख रहे, तो सब लोग दोनों हाथ उठा के डांस करो। बराती कितने हैं? उठाओ बरातियों हाथ। अरे ऐसा लगता हो, दोनों हाथ उठा करके। पूज्य स्वामी जी को जाना है, तुम लोग वहीं से जोरदार ताली बजाकर जय श्री राम करते हुए स्वामी जी को आज्ञा दें। लेकिन हम यही हैं, अभी फिर बोलेंगे और आपको वह कहानियां भी बताएंगे जो हमारी बेटियां हैं। लेकिन आप लोग अच्छा जल्दी तो किसी को नहीं जाना है, हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ उठाओ। पहले जो ताली बजाकर ठुमका ना लगाए बराती, अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी। और आज पता है कौन सा दिन है? आज शिवरात्रि भी है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन पर्व पर इन बेटियों का घर बस रहा है। हनुमान जी को धन्यवाद दो, बागेश्वर बालाजी को, कि इन बेटियों का जैसा घर बसा जाओ पूरी दुनिया में कोई भी दीनहीन ना रहे। जितने लोग आज आए हैं बागेश्वर धाम के पागल, जाओ तुम लोगों की भी अर्जी स्वीकार हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी खुशियां रहे। लेकिन अभी जाना नहीं, दोनों हाथ उठा करके। ओ ऐसा लगता Oh
दोनों हाथ उठा के पहले ताली बजाओ, बहुत धीरे बजाओ और धीरे बजाओ और धीरे बजाओ। दोनों हाथ उठाते हुए मस्ती में रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, मां पार्वती पते हर 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 महादेव। अब जो खड़े होगा बैठ जाओ, एक दो तीन, आगामी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए। पूज्य सिंगारी जी महाराज जी की जय हो, केरबना वाले महाराज जी की जय हो, सब संतन की जय हो। बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाओ, जब लोग रसगुल्ला और बनवा रहे। जय सिया राम।